जग्गी क्या चैलेंज दिया है, मतलब थका दिया, पसीने निकाल दिए? आप जग्गी ने कोई चैलेंज नहीं दिया, लेकिन गोपी ने चैलेंज दिया इसको कि मतलब घर पे भांग भांग खिला देता सबको, तो उसकी वजह से सब परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी इसको सज़ा दी गई है, पनिशमेंट दी गई है कि यार इसकी मंदिर के 100 चक्कर लगाने। मतलब वैसे भी हमारे घर की एक परंपरा है कि जब भी कोई नया सदस्य आता ना, जब अहम आया था तब उसने भी ये चक्कर लगाए थे घुटनों के बल, तो जब जग्गी आया तब उसने जग्गी नहीं लगाया, तो आज इसकी बारी है कि बेटा तेरे जितने पाप है सब माफ़ करवा दें। तो परंपरा सही से निभाई आपने परंपरा? परंपरा तो मैंने सही से अभी तो निभा ही रहा हूँ, और परिक्रमा लगाने मुझे 100 राउंड्स लगाने, और बहुत ही पेनफुल है, लिटरली बहुत दर्द हो रहा है घुटनों में, और इट्स नॉट ईजी, बहुत टफ है, लेकिन अब पूरा तो करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो मुझे विश जो मेरी माँ ने दिया है वो पूरा तो करना पड़ेगा। रिकी ने बहुत ईजिली हार मान ली थी। अच्छा, हार तो मैंने हार कहाँ मानी, हार तो अभी तक मैंने नहीं मानी है, बट चल रहा है तो, लेकिन पेट सबसे पहले आता है ना, पेट के लिए करना पड़ता है, तो जो भी बोलेगी अभी गोपी मोदी जो बोलेगी वो मुझे करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली मेरे लिए अच्छा है, मेरे प्लान्स आगे ऐसे हैं कि मैं उन्हें हरा दूँगा। शाम को फिर इसको आलू के पराठे भी लेंगे ना, क्योंकि कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही जब ये कर रहे थे उधर। ऑफकोर्स यार, मतलब मैं अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने जब गोपी बीमार हो जाते तब मैंने किया था, जब गोपी को गोली लग जाती है, उसके बाद जब मेरी माँ बीमार होती है उसके फिर मैंने घर पे किया था, तो उससे पहले अहम जब था तब गोपी के लिए तब भी किया था मैंने, मतलब 3-4 बार तो मैं कर चुका, तो मुझे तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मतलब कि यार ये मतलब इतना इट्स नॉट ईजी, थोड़ा टफ तो होता है ना, दर्द होता नॉट तो कोई एक्सपर्ट। एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या है जो मुझे है, नी कैप जो मुझे दिए गए थे वो इसे दिए गए हैं, नी कैप देखो हमारी परंपरा के मुताबिक नी कैप इसको दिए, ये रियल है, मेरे घुटने इतने बड़े, साले इतने बड़े घुटने किसके होते हैं भाई, तू इंसान है जमदूद है। कोई एक्सपर्ट्स टिप्स लिया था आपने इनसे, इन्होंने बहुत बार किया है ये सब करने से पहले? नहीं, इन्होंने टिप्स तो नहीं दिया, पर इन्होंने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था कि कितना पेनफुल था, और ये तो शायद मुझसे भी लंबा ज़्यादा चले थे, तो हाँ, बट मैंने ऐसे कुछ टिप्स नहीं लिए, बट इन्होंने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया था। लास्टली फिल्म आ रही है आपकी, उसके बारे में कुछ? फिल्म आ रही है हमारी बिग डैडी, जिसका कल 2 दिन पहले अभी गाना रिलीज हुआ शाम को, और बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए उसके, आई थिंक, और बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी आए, बहुत अच्छे व्यूज़ भी आए। हाँ, और बस यही है कि जैसे आप लोग हमें साथियों में प्यार करते हो, वैसे ही मेरी फिल्म के लिए मुझे प्यार करना है। बिग डैडी 21st April, मैन नेक्स्ट मंथ। थैंक यू सो मच। नगर पूरा, हाँ उधर तो लगेगी ना सिनेमा, हाँ उधर तो लगेगी, और इंफिनिटी पे भी लगेगी आई थिंक, कौन सा है जहाँ पंजाबी सर रहते हैं, कौन सा एरिया? ये अंधेरी में शेर ए पंजाब, और शेर ए पंजाब ऑलमोस्ट मिनी पंजाब है वो। हाँ बस बस वहाँ पे लगेगा, तो जब सेट हो जाएगा आपको क्राउड मिल जाएगा वहाँ। भाई ये है कि यार बस एक बार फैमिली जान लगी ना, फिर देखो तो बच्चों को लगे तो वो फ्लो पड़ जाएगा, वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी।